सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। यादव डेयरी फार्म रेगुलर अच्छी क्वालिटी का पशुधन दिखाने के प्रयास में रूटीन से हम वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। या फिर हम बात करें जो इकट्ठी सेल परचेज का काम करने वाले पशुपालक हैं, ज़्यादातर उनके यहाँ से वीडियोज आती हैं। तो आज हम फिर से काफ़ी जानी पहचानी जगह पे, पहले भी यहाँ से दो कवरेज हो चुके हैं, आज हम फिर से सूरजमल भाई साहब के यहाँ पे, हम गांव माछरोली डिस्ट्रिक्ट जज्जर हरियाणा से वीडियो लेके आ रहे हैं। आज इनके पास एक ये जोटी है, इसके बारे में डिटेल से पूछते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं भाई से आपको मिलवाता हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। जी भाई साहब, जोटी कौन से ब्यात की है? भाई साहब फिलहाल, और आज ही बच्चा दिया है? ओरिजिनल छह दांत है भाई साहब। छह दांत, साथ में कटड़ा है? कटड़ी कटड़ा। और सुबह इसने कितने किस टाइम दिया होगा बच्चा? सुबह करीब 6:30-7 बजे ही आई। 6:30-7 बजे। तो जहाँ से आपने खरीदी है वहाँ पे दूध की क्या रिपोर्ट दी? पिछले ब्याज में खार की 15 दिनों से ब्यागी थी, और 15 दिनों से ब्याना कारण एक हफ्ता के ब्याई होगी, उस टाइम पे काटड़ू भर गया। अच्छा अच्छा। और काटड़ा बनने के बाद ये पूरा दूध परसेंट है 15 किलो। 15 किलो दूध खार की दे रखे भाई। जी जी जी। तकरीबन 1 वीक जो पहले इसने डिलीवरी की थी, उसके बाद में 1 वीक के बाद इसका जो काफ, जिसकी एज पूरी नहीं हुई थी, शारीरिक ग्रोथ जो पूरी नहीं हो पाती, वो काफ दिक्कत में आ जाते हैं, उसके बावजूद भी इसने 15 किलो दूध निकाला है। 6 दांत है दूसरे ब्यात की जोटी। जी जी, साइज काफ़ी अच्छा, और 6 दांत भाई ने बाकायदा चेक करके बता रहे। एक बार खोल के वहाँ ले चलो बच्चे के पास इसको। बिल्कुल जेड ब्लैक कलर, हाइट लेंथ काफ़ी अच्छी जोटी की, बिल्कुल छोटा सींग आप देख पा रहे हैं कैमरे में, और पीठ पुठा काफ़ी चौड़ा। और नीचे से एक बार इसकी जो अर्डर क्वालिटी है वो दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ताज़ा सुई हुई, इसलिए बच्चे के लिए थोड़ी भागदौड़ कर रही है। ले आओ बच्चे के पास, ले आओ भाई साहब, बांध लो अंदर। ये देख सकते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बच्चा देने के बाद जो पशुधन है वो ज़्यादा काफ के पीछे भागदौड़ करता है। तो ये देख सकते हैं जो आप इसकी अडर की बनावट है, एक थोड़ी आगे करके बांध लो, साइड भी नॉर्मल सी दिखा रही है। और ये पहले इन्होंने बता दिया था कि हो सकता है बाई हो, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकते, हो सकता है साइड भी रखती हो, क्लियर नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। बाकी छोटा सींग, साइज काफ़ी अच्छा, साथ में जो ये नन्ना सा आप काफ देख पा रहे हैं, इसको सुबह इसने आज जन्म दिया है, और जोटी में ब्यूटी काफ़ी अच्छी आपको दिखाई पड़ रही है, देख सकते हैं थन हैं वो बिल्कुल, साइज काफ़ी अच्छा, बड़े साइज का थन काफ़ी कम जगह पे सक्सेस हो पाते हैं। बाकी टेल नीचे से तकरीबन 2.5-3 इंच के समथिंग वाइट है। 6 दांत यानी यंग जोटी है, जो भी भाई खरीदना चाहे वो मान के चलिए इसको लंबे टाइम तक अपने फार्म पे रख सकता है, क्योंकि जो कम एज के पशुधन हैं वो दूध निकालने में आगे दूसरे ब्यात, तीसरे, चौथे ब्यात, पाँचवें ब्यात तक भी अच्छा दूध निकाल देते हैं। इसकी जो पीठ की चौड़ाई है वो काफ़ी शानदार ये देख सकते हैं। और फिर से इसके जो दूध के कूप्स दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अभी बोड़े में खीस में ही है भाई साहब, कम से कम 18-19 किलो दूध देने वाली है। 18-19 किलो दूध की उम्मीद। और वैसे सुबह बच्चा देने के बाद जोटी का स्वभाव भी कुल मिला के शांति है, ठंडा स्वभाव में, ठंडे स्वभाव की है। तो एक बार अपना संपर्क नंबर बताएं भाई साहब। 98 हाँ 12 जी 81 83-94। तो इसको आप बेचना चाहेंगे जी भाई साहब? रेट वगैरह वीडियो में बताएंगे या कैसे? मौके का भाई साहब, मौके का प्राइस, मौके का दूध के हिसाब से जैसे जो उठती है उसी हिसाब से रेट करेंगे। जी जी। तो एक बार टेल हम फिर से आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि तकरीबन 2.5 इंच के समथिंग इसकी टेल वाइट है का, हाँ 2.5 होगी, ज़्यादा होगी ज़्यादा ज़्यादा। तो आज इसने इस काफ को जन्म दिया, एक बार थोड़ा वीकनेस भी दिखाएगी शरीर में, लेकिन आप फिर भी साइज आप देख सकते हैं जोटी का काफ़ी अच्छा, क्योंकि तकरीबन बच्चे समेत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तकरीबन एक क्विंटल के समथिंग जो बुजुर्ग बताते हैं कि इसके अंदर से बच्चा या जो भी जेर वगैरह आई है, तो उसके बाद एक बार जो पशु है 10 दिन में कवर होगा, और फिर आपको जो इसकी शारीरिक बनावट है वो संपूर्णतः और भी शानदार दिखाई पड़ेगी। तो इनका जो मोबाइल नंबर रेगुलर चल रहा है, किसी भी तरह के अदर डिटेल के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रयास आपको पशुधन दिखाने का है। पहले भी भाई के यहाँ से वीडियो आई थी जिसमें मिल्किंग भी दिखाई थी इन्होंने, और उस जोटी की जो मिल्किंग जितनी इन्होंने रेकमेंड की थी उतनी निकली थी, इन्होंने प्रेग्नेंट खरीदी थी। दूसरा नंबर भी साथ साथ मिल लियो भाई साहब। जी जी बताओ।
90 50 90 50 866 620 तो जो जोटी में दूध रेकमेंड किया था वो निकला आज। इन्होंने गबन जोटी खरीदी, बच्चा दिया, साफ सुथरी निकली है। तो एक ऋषक जो गबन का उठाया था उसके बावजूद जो दूध पे चलेगी तब इन्होंने कहा है उसी हिसाब से रेट हम निकालेंगे जोटी का। तो कोई इंटरेस्टेड बायर अगर लेना चाहता है तो संपर्क कर सकता है। हरियाणा पुलिस में कार्यरत होते हुए इनके जो भाई हैं उनको इतना शौक जो मुर्रा पशुधन के प्रति देखने को मिल रहा है वो काफ़ी सराहनीय हम कहेंगे, क्योंकि आज सर्विस के साथ साथ में एक किसान परिवार से होते हुए ये चीज़ें दर्शा रही हैं कि फिर भी पशुधन से काफ़ी प्रेम और काफ़ी लगाव, जिसमें एक एक दो दो भैंसें अच्छी क्वालिटी की सेल परचेज का काम भी करते हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।